अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं आरिफ हाशमी, आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज। ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। जी, आप यहाँ पर दीवा में आज दौरे पर आए थे चुनाव प्रचार के दौरान, और यहाँ पर आपने एक जो भारत का भविष्य कह लीजिए, बच्चे का जन्मदिन था, आपने उसको विश किया, उनके बाप से मुलाकात की, क्या कहेंगे इस मौके पर? देखिए, इस मौके पर कैसा है, मैं तो भाई साहब से मिलने के लिए और पहले भी आने वाला था, लेकिन आज जो है पता चला जो है कि भाई साहब के बच्चे का बर्थडे है, तो बोला उस वक्त में बच्चे से मिले। जो आने वाले दिनों में युवा पीढ़ी, देखिए युवा पीढ़ी जो होता है, यही युवा पीढ़ी 20 साल 25 साल के जो बच्चे हो जाते थे, उनका कैसा होता है, उनका भविष्य कहीं ना कहीं वो हो जाता। आज इधर ये युवा पीढ़ी को हम अभी से उत्साहित करेंगे आगे, जो जा करके जैसे ये मेरे भाई साहब ने 16-15 दिन जो अनशन किए, इस दीवा के बहुत विकास कार्यों में इनका हाथ रहा है, इस दीवा के जो है आगे ले जाने में इनका बहुत हाथ रहा है। वैसे मैं चाहता हूँ कि इनके बच्चे के भी अंदर वही जो है ईमानदारी, सच्चाई और लोगों के जो है आशीर्वाद से वो इतना ज़्यादा आगे निकले कि हम लोग उसको सलूट करें। अमोल केंद्रे जी, मैं तो आपको काफ़ी साल से जानता हूँ, और आप हक की लड़ाई लड़ने में पीछे नहीं हटते, और आप अकेले अपने दम पर और अपने चाहने वालों के दम पर जो है आपने बहुत बड़े लोगों से जो है पंगा लिया, और आपको आपने उनको जो है हार मानने पर मजबूर कर दिया। अभी आप इस चुनाव प्रचार के दौरान जो तमाम उम्मीदवार आपके पास आते होंगे, तो इस पर आपकी विचारधारा किससे मिल रही है, आप किसके साथ रहेंगे, किसको समर्थन करेंगे, क्या कहेंगे? अभी तक तो मैं किसके भी साथ रहेंगे, जब मेरा दिल कहेगा, मेरी मैं खुद आपके दिमाग सोचूंगा कौन इंसान सच्चा है, कौन इंसान काम कर सकता है, क्योंकि 27 साल में ये तो यहाँ से सब सोचने के 7 हमारे आज तो कुछ हुआ तो है नहीं है, और ये करेंगे भी नहीं है। आज एक मुझे लगता है जब 16 दिन अगर अनशन, मेरे से एक सामान्य आदमी को अनशन करने की नौबत आती है, एक यहाँ पे पालक मंत्री, बांधकाम मंत्री, उनके लड़के खासदार है, 8 नगर से उप महापौर है, महापौर यहाँ के महाराज भाई सत्ता इनके रखे भी इतना है, सब कुछ होते हुए मतलब जब काम नहीं कर सकते तो ये आगे भी कुछ करने वाले। मैं तो खुला बोलता हूँ, इनको तो कोई वोट दो ही मत, बल्कि आपको अगर उनको किसको वोट नहीं देना, नोटा दबाओ इनके खिलाफ, मगर ऑप्शन है ना, ऑप्शन ना रहे तो नोटा दबाया वोटर चलेगा। अपने पास सबके पास ऑप्शन है, आदमी तो आदमी को पहचान है कौन आदमी सच्चा है, कौन आदमी झूठा है, और सच्चे आदमी का जो सच्चा हमारी जनता के लिए लड़ेगा, उसके लिए आप सपोर्ट दें, उनके लिए उठेंगे। तो इसी तरह से हम समाज की अच्छी बुरी खबरों की सच्चाई आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज़।